मजबूत डंडा और बड़ा झंडा जब भी किसान आंदोलन के लिए जाए, बहिष्कार करने के लिए जाए, इनको भगाने के लिए जाए, तो बढ़िया तो डंडा कम से कम 6 फुट का और तकड़ा भरमा होना चाहिए और बड़ा झंडा होना चाहिए और जिंदाबाद के नारे लगाते का स्पष्ट ऐलान है। भाजपा एक डूबती हुई जहाज है, जो इसके अंदर बैठेगा उसका नाश हो जाएगा। और भाई टेम है, उतर लो, जो भी भाजपा जेजेपी का साथी खड़ा ने वो उतर के इस आंदोलन में कूद जाओ, सम्मान तो बचेगा, वो बचेगा। भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं, किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर क्या आने लग रहे हैं भाई। युवा किसान नेता रवि आजादी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और 25 अप्रैल को लेकर के पूरे हरियाणा के जो नजर जिला जींद के ऊपर इसलिए बनी हुई थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ एक कार्यक्रम में शिरकत करने वाले थे, लेकिन भाई हजारों की संख्या में सुबह 8 बजे ही किसान पहुंच गए थे और कल रात ने ऐलान हो गया था बीजेपी की तरफ से भाई प्रोग्राम को कोरोना की वजह से रद्द कर दिया गया। हालांकि किसान कह रहे हैं भाई किसानों के डर की वजह से सरकार डरी है, सरकार सहमी है। तो भाई रवि आजाद से बातचीत कराएंगे, जेल से निकलने के बाद पहली बार आज ये इंटरव्यू है। रवि भाई सबसे पहले तो राम राम। जी राम राम मेरे भाई और अपने सभी दर्शकों को, सभी प्रदेशवासियों को, किसान भाइयों को राम राम। बिल्कुल, सबसे पहला प्रश्न मेरा यही है क्योंकि आपने 2-3 दिन पहले भी एक आह्वान किया था कि 25 अप्रैल को पूरे हरियाणा के किसान ज्यादा से ज्यादा जींद पहुंचे। उन्होंने पहले ही प्रोग्राम रद्द कर दिया, लेकिन उन्होंने जो कारण बताया है वो ये बताया कि कोरोना की वजह से हमने प्रोग्राम रद्द किया, बीजेपी वाले ये कह रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से यही बात कहना चाहूंगा कि बीजेपी वाले कह रहे कि कोरोना के कारण रद्द किया, तो ये कोरोना प्रोग्राम रखने के बाद आई है क्या? ये कोरोना तो पहले थी, अगर वो कोरोना को मानते तो प्रोग्राम ही नहीं रखते। अब प्रोग्राम रद्द क्यों होया है वो मैं भाजपा वालों को बता दूं और ये हरियाणा के भाजपा वाले मेरी बात कान खोल के सुन लें। यो प्रोग्राम रद्द इसलिए होया है, लठ धर रखे थे और झंडा गाल रखा था लठा में और हजारों की संख्या में मेरी माताएं बहने और किसान और युवा साथी और सारी खापे सारे दलित संगठन एक थे, डंडा लेके खड़े थे, जिद बाजे हैं। ईब कोरोना कोरोना कुछ कर दे रो, जो सच्चाई थी वो सारे जाने हैं, सारे समझे हैं और बीजेपी वाले भी जान लो। इन बीजेपी वाला की अजय भाई आदत है, ये एक झूठ को हजार बार बोलेंगे ताकि वो सच बन जाए। लेकिन हम सच बोलने वाले लोग हैं, हम इनकी तरह झूठ की दुकान नहीं चलाते और हमारी दुकानदारी नहीं, हमारा काम है सच बोलना। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि किसानों के अंदर वही जोश है और जुनून है। बता रहे हैं कि यदि कोरोना यदि कारण होता तो बीजेपी पहले ही इस कार्यक्रम को रद्द कर देती और इस कार्यक्रम को रखती ही नहीं। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा कि देश का अन्नदाता सड़कों पर बैठा है, आप किसान नेताओं से मुलाकात करें, उसका समाधान करवाएं। क्या कहना चाहेंगे हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बारे में? डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कह लो और चैन्यू का अगर भाई छोटा मुख्यमंत्री कह लो। बिल्कुल, और आमतन्यू कहें यो के है को मुख्यमंत्री कोनी, छोटा भी कोनी, यो डिप्टी भी कोनी, यो है भाई निर्या दारू बेचण का मुख्यमंत्री। तो मारा यो संदेश, अब तो हम बैठे हैं दुष्यंत के विधानसभा क्षेत्र में बैठे और यो वो इलाका है, बाकी जगह था हरियाणा में बीजेपी आला के इनके जेजेपी आला का बहिष्कार चल रहा, आड़े तो उसके पीए ने भी कौन बढ़न दे, तो फिर समझ सकते हो दुष्यंत चौटाला का हाल है। दुष्यंत चौटाला ने तीनों कानूनों का समर्थन कराया, सरकार के हर कदम में साथ रहा, सरकार की हर जगह पैरवी करी, आज वो प्रेम पत्र लिख करके हमने बावड़ा बनाना चाहो है। हमने सारा पता, दुष्यंत चौटाला ने अपने राजनीतिक करियर की आत्महत्या करी है, चौधरी देवीलाल जी की आत्मा को बेचने का काम किया, उनके अधूरे सपनों को बेचने का काम किया और हरियाणा जो है वो जेजेपी जो पार्टी है इसको हमेशा हमेशा के लिए इतिहास बनाने वाली है। ये दुष्यंत चौटाला को ये बात अपने दिमाग में और अपने मन में दिल दिमाग में सब जगह बैठा लेनी चाहिए कि अब ये पार्टी अतीत की पार्टी होगी। जी बिल्कुल, देश के एक बड़े अखबार में 7-8 दिन पहले खबर छपी थी कि ऑपरेशन क्लीन किया जाएगा, बॉर्डर के ऊपर जितने भी किसान हैं उनको लॉकडाउन लगा करके और कोरोना जैसी जो बीमारी जो फैल रही है इसका दिलासा दे करके ऑपरेशन क्लीन करने की जो जिम्मेदारी है वो गृह मंत्रालय ने खट्टर सरकार को दी है। क्या कहना चाहेंगे आप ऑपरेशन क्लीन को लेकर के? ऑपरेशन क्लीन तो ये तो कह रहे मारा करेंगे और खट्टर जी जो है वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट लेके आगे, क्योंकि आपको एक बात पता होगा, ये जो अभी मुख्यमंत्री हरियाणा के
ये प्रधानमंत्री जी की खिचड़ी बनाया करते, खिचड़ी खुआया करते, और खिचड़ी खुआनी है घर, यो प्रेम था जब मुख्यमंत्री ताई पूछ गया। और ई भी ये खट्टर साहब अपनी अपने नंबर बनाने के लिए उड़े ठेकेदारी लेके आगे हम ऑपरेशन क्लीन करेंगे, लेकिन हम इनको ये कह रहे कि आंख उठा करके तो देख लो, क्लीन करना तो बहुत दूर की बात है, क्लीन करेंगे भाजपा वालों को किसान, और इस भाजपा को इतिहास की पार्टी बनाना है, और जेजेपी को बनाना है, जो इनके साथ खड़े। हम इनको एक बात बता रहे हैं, आंदोलन का स्पष्ट ऐलान है, भाजपा एक डूबती हुई जहाज है, जो इसके अंदर बैठेगा उसका नाश हो जाएगा। और भाई टेम है, उतर लो, जो भी भाजपा जेजेपी का साथी खड़ा ने वो उतर के इस आंदोलन में कूद जाओ, सम्मान तो बचेगा, वो बचेगा, और आने वाली पीढ़ी भी तुमने याद रखेंगी। जी बिल्कुल, पहले से ही जो किसान आंदोलन से जुड़ी जो तमाम तस्वीरें हैं लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं, भाई जो भी किसान आंदोलन का समर्थन करता है या तो इनकम टैक्स या फिर ईडी का तो छापा मरवा दिया जाता है या फिर उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है। आप सभी को पता है कि रवि आजाद तीन से कितने दिन जेल में रहे थे भाई साहब? मैं आठ दिन रहा था जेल में। जी जो भी आंदोलन का समर्थन करता है या तो एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है या फिर इनकम टैक्स या आईडी के छापे में दे देते, आत्मविश्वास और आपके मनोबल को लेकर के क्या आप संदेश खासतौर पे बीजेपी वालों को देना? भाई मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ, मुकदमे हमारे हौसले नहीं तोड़ सकते और जेलें जो है वो हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। और मैं तो पहले दिन जब जेल में गया तब ये न्यू सोच ली थी, आग भाई चाहे 6 महीने लागो और चाहे 6 साल लगो, हम जो है हंसी खुशी अपने इस किसान कौम की लड़ाई के लिए, देश को बचाने के लिए, जेल में रहने के लिए तैयार हैं। और मेरा सबको यही कहना है कि भाई किसी को डरने की जरूरत नहीं, ना मुकदमा तर ना जेल तर, और सरकार चाहे कितनी यातनाएं दे, कितने अत्याचार करे, मेरे ऊपर भी अभी आंदोलन के दौरान आधे दर्जन मुकदमे दर्ज कर दिए गए, आधा दर्जन मुकदमे पहले से चल रहे थे, रोज मुझे कोर्टों के चक्कर कटवाए जा रहे, रोज मुझे समन भेजे जा रहे, रोज अलग अलग तरह से परेशान करने का काम किया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये बात कह रहे हैं कि तुम्हारी यातनाओं के आगे, तुम्हारे मुकदमों के आगे और जेल के आगे हम रुकने वाले नहीं है, चाहे गोली चलाओ, डंडे चलाओ, चाहे मुकदमे करो, जेल भेजो, लेकिन आगे बढ़ते जाएंगे, ना हाथ उठाएंगे, ना हिंसा करेंगे, ना करने देंगे, बल्कि सिर जोड़ते जाएंगे, क्योंकि ये सिर जोड़ने की लड़ाई है, सिर फोड़ने की लड़ाई नहीं है। और हमने तय कर लिया ये हौसलों की लड़ाई है, ये हथियारों की लड़ाई नहीं है, हमें चाहे अपने हाथ बंद करके भी आगे बढ़ना पड़े, चाहे रस्सी तक हाथ बांध दो, फिर भी हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक हम अपनी लड़ाई को जीत नहीं लेते और जब तक हम अपने देश को सुरक्षित नहीं कर लेते। जी बिल्कुल तो, भाई साहब हमें भी कौन ठान दे, इतना ये तो 8 महीने की है, हमारी 4 साल की हो जो जेजेपी ने बीजेपी ने हमें उतने दें दे, जो इतने जुगर बेटे में सिंह गए न्यू भी जाएंगे नहीं, हमें गोली भी मंजूर है, जेल की तो बात एक ही है, तेरा जितना जी करे कितनी बता ले, हमें अहर नहीं मानते इतने, इधर जेजेपी ने बीजेपी ने नहीं अड़े प्राप्त होने दें दे जमाकड़ियाँ, जमा नहीं हो सकी जुगर बेटे में सिंह गए बिल्कुल, और आज इतनी करड़ी तैयारी बैठे जमानो इतनी कर ऐसे लड़ ले रहे थे, फिर उसमें फाग जो कान सूखे रह गए, अब तो तैयारी थी मखा आए जय कर गए, आए जय कर गए, इतनी न्यू बता दें फिर जिंदगी धरती पर न्यू आए करा है, रोत थोड़ा सा हाट कुछ थे कोई नहीं बेरा कोई ना, सारा मैसेज हो गए ये आधी कोल में सब तमाम इकट्ठे हो जाएंगे सारा 36 जात। बिल्कुल, आप सभी को बता दें कि हरियाणा की जो राजनीतिक राजधानी का जो गढ़ है वो जींद को माना जाता है, और किसानों ने पहले ही का आह्वान किया था, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने बता रखा है कि हरियाणा के अंदर जेजेपी और बीजेपी गठबंधन सरकार के जो भी नेता हैं उनकी राजनीतिक हलचल कहीं पर भी होगी तो उनका खुलकर विरोध करेंगे। चर्चित चेहरा है मेवा सिंह कृषिनु से, इनका भी कहना है कि हमारे लठ भी तैयार थे, हमारे झंडे भी तैयार थे। भाई साहब आप जब भी कोई नेता जब राजनीतिक हलचल करता था, आपके 2 दिन पहले एक वीडियो आती थी, मैं अपने लठा का तेल लाके तैयार रखियो, इवन एक अंदे आपके पास नहीं, अब ऐसा है वो बदल दिया डायलॉग, नहीं डायलॉग नहीं बदला, ये क्या है, देखो एक बात बताओ, लाठी और किसान का मेल होता है, और ये आरएसएस के लोग लाठियां रखते हैं, तो जब हम इन तक पूछ लें कि भाई ये आरएसएस वाले लाठी क्यों रखे हैं, तो ये न्यू कहें हम अपनी सुरक्षा खातर रखे हैं, तो भाई मारे या सुरक्षा लागू कौन के, हम अपनी सुरक्षा के लिए लठ कौन लाग सके, अरे भाई लठ क्यों है मेरे भाई, एक बात आपको आपके माध्यम से बताऊंगा, लठ में बहुत सारी वो हूँ, मतलब उसमें फाचर सी हूँ है, और वह के है लठ हो है तो वह तेल ना लगाओ तब हाथ हम गढ़ लाग जा, हम तो भाई मारा जुगाड़ कर रहे, हम तो मारा जुगाड़ कर रहे कि भाई सुरक्षा के लिए लठ भी रही जा, और वो लठ जो
है परेशानी ना दे तो उसको थोड़ा तेल पिला देते हैं, पुरखों की रीत है। लेकिन फिर भी हम किसान भाइयों को कह रहे शांति बना करके रखो और भाई मजबूत डंडा और बड़ा झंडा जब भी किसान आंदोलन के लिए जाए, बहिष्कार करने के लिए जाए, इनको भगाने के लिए जाए तो बढ़िया तो डंडा कम से कम 6 फुट का और तकड़ा भरमा होना चाहिए और बड़ा झंडा होना चाहिए और जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। लोग भाग जाएंगे, रुकने वाले नहीं है। जी रवि आजाद भाई, हथियारी से है तो सैन्य और सैन्य मरे रद्द नहीं होंगे, मारांगे एक निशान दो हाँ मारांगे एक चोट है निशान दो होंगे हाँ हथियारी से हमारे बिल्कुल नहीं होंगे बिल्कुल। रवि आजाद भाई, वैसे तो प्रकाश धनखड़ को पहले ही पता चल गया था कि लगभग 50,000 की संख्या में किसान इकट्ठा होंगे, लेकिन कल रात को ही किसानों ने मैसेज कर दिया आपस में, लेकिन फिर भी बावजूद उसके हजारों की संख्या में किसान यहाँ पर पहुंचे और बुजुर्ग किसानों का आप हौसला भी देख सकते हैं, जज्बा भी देख सकते हैं, कैसा लगा आज आपको यहाँ? देखिए अभी एक बात कह रहे थे, ये जो जींद है इसको राजनीतिक राजधानी बोला जाता है हरियाणा की। यहाँ से हरियाणा की राजनीतिक दशा और दिशा तय होती है, आंदोलनों की भी दिशा और दशा तय होती है और ये क्रांतिकारियों की भूमि है, किसानों की भूमि है। और आज का जो संदेश आप देखिए, यहाँ पर किसान का संदेश, दलित का संदेश, मजदूर का संदेश और एक बड़ी ताकत जो यहाँ दिखाई, तो मुझे लगता कि आज हमें एक नई ताकत खटखट टोल प्लाजा से मिली है और इस ताकत को लेकर के हरियाणा के कोने कोने में जाओगे, बॉर्डरों पर जाओगे और ज़्यादा मजबूती के साथ इस आंदोलन को मजबूत करेंगे। और मैं तो सबको यही कह रहा, ताकत पूरी लगा लो भाई, मोदी तक कही थी अच्छे दिन आओगे लेकिन आज तक अच्छे दिन नहीं आए, ये आंदोलन जरूर ये बात कह रहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं और जब ये आंदोलन जीतेंगे तो पूरे देश के अच्छे दिन आएंगे, सबकी तस्वीर और तकदीर बदलने वाली है, सबकी किस्मत बदलने वाली है। जी चलो रवि भाई, बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। क्या संदेश लास्ट में आप ग्राउंड मीडिया के माध्यम से मोदी सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे और हरियाणा के सभी किसानों को क्या संदेश? मेरा आपके माध्यम से एक संदेश है, जितने भी नेशनल मीडिया के चैनल हैं, जो गोदी मीडिया के चैनल हैं, उनको अपने टीवी से हटाना शुरू करें, एक ही अभियान चलाएं। दूसरी जो बात है, जो अच्छे नेशनल मीडिया के चैनल हैं और जो प्रिंट मीडिया के अखबार हैं, कुछ अखबार हैं बड़े घरानों के जो दलाली कर रहे हैं सरकारों की, उन अखबारों को बंद करवा दीजिए, उन अखबारों को अपने घर मंगवाइए जो अच्छी खबर दिखाते हैं, वो चैनल देखिए जो सच्ची खबरें दिखाते हैं। और जो खास करके जो YouTube वाले भाई हैं, जो Facebook जैसे आप जैसे जो भाई हैं जो सच्चाई लेकर के जाते हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनके साथ जुड़िए, इनकी चीज़ों को देखिए, शेयर करिए। और मेरी आपके माध्यम से एक अपील और भी है कि जो आप एक नई ताकत बने हो, अभी आप देखिए आपके YouTube चैनलों के साथ छेड़छाड़ की जा रही, Facebook पेज के साथ छेड़छाड़ कर रही, आपके वीडियो उड़ा दिए जाते हैं। अभी एक भाई था कोई चैनल वाला, बोल गाबरू बोल कुछ ऐसे करके उन्होंने एक वीडियो हमारी डाली और वो 14 दिन के लिए जो है उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया, उसके ऊपर रोक लगा दी। तो ये सरकार आप लोगों की आवाज दबाना चाहती है, लेकिन हम आपके ताकत आपके साथ पूरी ताकत से खड़े हैं और आप इसी प्रकार सच्चाई दिखा करके और समाज को जागरूक करने का काम करते रहें। जी चलो भाई, तो वीडियो आपने देख लिया, कमेंट बॉक्स में अब जो ओम प्रकाश धनखड़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के उनके विरोध को लेकर के खटखट टोल प्लाजा के ऊपर आज हजारों की संख्या में जो किसान पहुंचे थे, रवि आजाद जो युवा किसान नेता 4-5 मुद्दों को लेकर के जो बातचीत की है, अब आपने कमेंट बॉक्स में अब अपनी राय रखनी है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए खटखट टोल प्लाजा से अपने कैमरामैन से इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।